गायों में फैलने वाली बीमारी गायों से अन्य गायों में संक्रामक रूप से तेजी से फैलती है, जिसके कारण अभी हाल ही में देश के अन्य राज्यों में गोवंश की अत्यधिक मृत्यु का कारण बनने वाली लंपी वायरस के लक्षण गाडरवारा में पहली बार किसी गाय में देखे गए। सूचना करने वाले ने नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा को फोन कर सूचित किया। लंपी वायरस से ग्रसित गाय का पता बताया गया, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई कर हांका गैंग को सूचित कर हांका दल से शामिल संजू गुर्जर, अक्षय व्यास एवं स्वास्थ्य शाखा से अभिषेक शुक्ला को उक्त गाय को तत्काल शहरी क्षेत्र से हटाकर उपचार के लिए नियत स्थान पर भेजने के निर्देश दिए गए और नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा द्वारा लोगों को संदेश दिया गया कि शहर क्षेत्र में कहीं भी अगर लंपी वायरस से ग्रसित गाय दिखाई देती है तो नगर पालिका परिषद गाडरवारा को तत्काल सूचना दे, जिससे हम हमारे गोवंश एवं लोगों को सुरक्षित रख सके। जो आए हैं और जो गाय को आप लोग पकड़ रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? ये हमें चावड़ी वार्ड के पूर्व पार्षद जी अनिल जी जैन द्वारा सूचना दी गई थी कि ये जानवर है जिसे ये बीमारी है लंपी, ये वायरस तो ये यहाँ घूम रहा है। तो मैं यहाँ मौके स्थल पर आया और मैंने देखा ये यहाँ पर उपस्थित है और मैंने अपने साथी आका दल प्रभारी संजय जी गुर्जर को सूचना दी और इसे पकड़वाया हम लोगों ने और अब इसे हम लोग उपचार के लिए ले जा रहे हैं। आज गाडरवारा में लंपी वायरस का पहला केस देखने में आया है और नगर पालिका द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लंपी वायरस लगभग 1.5-2 महीने से सक्रियता से चल रहा है। गाडरवारा नगर पालिका और पशु चिकित्सकों के द्वारा माननीय SDM महोदया की त्वरित कार्रवाई से लंपी वायरस इस क्षेत्र में नहीं फैल पाया। 1-2 केस कहीं अगर आ गए हैं, जैसे आपकी जानकारी से ये एक केस आया, उस पर त्वरित कार्रवाई की गई, पशु को वहाँ से सार्वजनिक स्थान से हटाया जाएगा, उसका जो इलाज है वो किया जाएगा और ऐसी कहीं से भी कोई खबर आएगी त्वरित कार्रवाई नगर पालिका करेगी जी। तो जहाँ भी मेरा सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं से आग्रह है, इस तरीके की कोई भी कहीं भी यदि जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करें ताकि ये रोग फैलने से हमको सबको बचाना है। पशु चिकित्सा विभाग से राजेश यादव जी, गाडरवारा नगर में गाय बीमार हालत में प्राप्त हुई है, इसे कौन सी बीमारी थी? इसको लंपी वायरस की शिकायत थी, इसके मुंह से झाग आ रहा था, फफोले पड़ गए शरीर में पूरे और फीवर भी था इसको, जिसे बुखार कहते हैं। और ये बीमारी बड़ी घातक है, दूसरे जानवरों में भी आ सकती है। आवारा जानवर था वो, आवारा छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, कई जानवर आसपास बैठे रहते हैं, उससे ये छुआछूत के कारण से दूसरी बीमारी दूसरे जानवरों में प्रवेश कर सकती है। गाडरवारा नगर में और भी गाय ऐसी देखी गई जिनको ये बीमारी है? हाँ, दिखी थी। कितनी घातक बीमारी कहलाती है ये? बहुत ज़्यादा घातक होती है, इसमें पशु क्या है, ज़्यादा बीमारी का इलाज नहीं हो पाता तो ये दम तोड़ देते हैं। जो नगर में आवारा गायें घूम रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? उनके बारे में यही कहूँगा कि आवारा जानवर न छोड़ें, किसी भी पशुपालक हैं जो अपने घर पर बांध के रखें उनकी सेवा करें, अन्यथा बाजार में क्या है, आवारा जानवरों से एक दूसरे से छुआछूत के कारण लग सकती है और ये बीमारी बढ़ सकती है फिर, ये क्योंकि नगर में आवारा जानवर बहुत घूम रहे हैं, हर जगह पर मिल रहे हैं। अभी मैं सुबह गया था BSN मंदिर, वहाँ भी 2 जानवर दिखे मेरे को, कोंडिया रोड पर जो है, वो भी आवारा थे, उनमें भी लंपी वायरस की शिकायत थी। लंपी वायरस जो गाय शिकार है, यह बीमारी इंसानों में भी आ सकती है क्या? खैर, इंसानों में तो नहीं है, ये इंसानों से कोई वो नहीं है, इसमें हम लोग इलाज करते कुछ नहीं होता। अच्छा, इस बीमारी के इंसानों पर कोई असर प्रकार का असर नहीं होगा, केवल अभी गायों में मिल रहा है, केवल गायों में। अच्छा, यह बीमारी जो गायों में है, क्या अन्य पशुओं में भी हो सकती है?
अभी तो नहीं सुना मैंने, गायों गायें मिली, जितनी भी बीमारी मिली है लंपी वायरस से ग्रस्त जानवर वो गायों मिली केवल। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।